अस्सलाम वालेकुम जी। आज इंशाल्लाह एक और व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू करने। ईद का तीसरा दिन है आज और फिलहाल हमारे साथ अली है। अली सर, मैंने एक शेर बोलना है यहाँ पे। हाँ जी, शुरू शेर। हमारा प्लान चल रहा था, मैं बताने लगा हूँ पहले इसके शेर के पीछे स्टोरी क्या है। हमारा प्लान चल रहा था बारबेक्यू का, एक महीने से प्लान हो रहा था ईद पे बारबेक्यू है और हमने जाना जाना है तो वो पूरा एंड तक नहीं। और आज सुबह सबके मैसेज आए कि आज बारबेक्यू है तो आज कुछ प्लान कर लेते हैं, यानी पूरे महीने की प्लानिंग खाक में। और आप जो है वो लोंडो के ये ऐसे काम होते हैं, आज का दिन जो है बताना है। तो ये मेरे दोस्तों के लिए शेर है, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती रही। अब जाते हैं, मिलते हैं सबको। अभी तो हम लेने जा रहे हैं सबको बारी बारी, तो फिर उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं क्या। अभी ये भी नहीं डिसाइड जगह कि हमने जाना किधर है। खैर इंशाल्लाह फिर आपको आगे अपडेट करते हैं। हमने बारबेक्यू करना है, हाँ ये नहीं पता कहाँ करना है, कैसे करना। हाँ भी कितने में चलोगी जी? अब हम पहुंच आए इनको लेने। ये जूना साहब हैं जिन्होंने जैसे भी करके आज गोश्त रेडी किया। ये चीमा साहब, चीमा क्या हाल है? ठीक चीमा, ईद कैसी गुजरी है? दिल पे दुख लगे हुए चीमे के, पता नहीं चले। अब साथ शॉपिंग भी आज चल रही है, बच्चों की शॉपिंग भी लेके दी है। ये सामान लिया देखो, ओए बंद नहीं सी की थी गड्डी अभी रख लो। अच्छी गाड़ियां रखी हुई है ना। हां अच्छा है भी, माशाल्लाह। चीमे आ तो गड्डी जी सोना, ये चीमे की रिहायश है। इन थले रख के थले रख लेना, डिग जाएगा इधर नाल, जगह थोड़ी है। ये कड़ा पराज सवारियां बनियां चीमे, हो गया ओके सारा। चलो मिलते हैं हम, उत्ते लोकेशन भेज दे, असी लोकेशन ला के पहुंचने। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, आज हमारा बारबेक्यू डे है और हम आतिफ का वेट करते हुए उसके घर के नीचे, बाकी सब अली और अहमद आ रहे हैं। वो शायद चले गए हैं उधर मदलेना की तरफ जिधर हमने बारबेक्यू किया अपने, तो देखते हैं अभी उधर जाके कि उधर का क्या सीन है जी। वो दरअसल एक फ्यू में है उधर से गुजरती है, साथ में जगह बनी हुई है बारबेक्यू करने के लिए, तो काफ़ी माहौल है। उधर जाके आपको बताते हैं किस तरह का है जी। बाकी अब आतिफ आ जाए, आतिफ हमारे हमें लारे लगा के 5 मिनट आता हूँ, अभी 10 मिनट गुजर गया, हम इधर वेट कर रहे हैं उसका। आपको हमारे हर व्लॉग में यही मिलेगा कि आतिफ का इंतजार हो रहा है। चले मिलते हैं बाद में। लें जी, अब हम आ गए हैं जहाँ पे हमने बारबेक्यू करना है, लोकेशन पे। भाई जबरान भी आ गए हैं घर से इजाज़त लेके, ये दो आगे में। खान साहेब क्या हाल है जी? ठीक ठाक, कैसी जा रही है आपकी ईद? भाई सिग्नल आ रहे हैं, वो हमारा खान साहेब बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हम भी अब पहुंच गए हैं, बाकी सबने इंट्रोडक्शन करा दी होगी आज की, तो लेट्स सी क्या हो रहा है। अब बस अभी पार्किंग लगाई है, हम थोड़ा लेट हो गया आज क्योंकि कुछ काम था मेरा, तो वो करके अब आए हैं। साथ में दूध भी लाया, चाय बनाएंगे और
अभी आपको जगह दिखाते सब। अच्छा तो ये वो जगह, अबे ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा एनिमल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, बड़ी देर पर मिले। ये बैल लेके फिर रहा है हमारा सिक्योरिटी गार्ड अहमद, तू सिक्योरिटी देना है हमें। ये स्पेशल बैल लेके आया हमें लेने, वाह गुड गुड, कोई टेंशन ना रहे ना। माशाल्लाह इधर नमाज हो रही है और साथ में ग्रिल। अच्छा तो अब हम निकले थे इधर कुछ लेने के लिए, कासा लेना था, सामान लेना था, तो सामान पूरा नहीं किया पहले से, तो आप जब हमेशा होता है जब आप आखिरी दिन में बारबेक्यू प्लान करें ना, हाँ ये चीज़ें रह जाती हैं बस। अब क्या चलो अब जल्दी जल्दी जाते हैं, वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया होगा मेरे साथ, हमारे लिए कुछ रखते हैं वो बस खा गए होंगे जो भी है। चलो जाके देखते हैं क्या क्या बचा है। ठीक है जी, अहमद और इम्तियाज गए हैं कुछ चीज़ें लेने, तो हम अब अहमद के शूज़ छुपा देंगे। ये देखो हमारा बांध है, राम ना राम ना राम ना राम ना राम ना जब आपके दोस्त कुछ नया करने को करे। शैतान आफ्टर रमजान ले शैतान आफ्टर रमजान। नहीं यार मैं मना करता हूँ, इसने इधर ब्लैक कलर के शूज देखे थे। ये देखा है तुम, मैं पा के नहीं आया सारे उधर से बाकी
यार अगे थुलंगे जिस टाइम से उधर आए ओ जेड़े आदे पे है ना आंज दे तू सी तरह त्रे चार दौड़े पे नहीं ऐसी नहीं लेकिन मेरे वो सी दूसरे सी ब्लैक रख ब्लैक ही नहीं ना मामा ये लंगे है जी सीरियस हो यार मैं देख के बाग गया से गड्डी चेक करनी यार मैं इत्थे लाए ने आ पाक गया और गल ही नहीं है गड्डी किस पे होंगी फिर हो सकता ओए मेरी गल सुन जे तक ना लबे ने दे बाद में वीडियो पे जूम करो मुड़ किधर है ऊपर एनू लान लगे भी असी डिगे सीगे भाई माशाल्लाह इसकी ये नजारे बंदर वेख्या जी बंदर अब कैसे करेगा अहमद बहुत मुश्किल हो रही है बहुत जा जा लेके जा लेके जा जा अच्छा पास हाथ रख दिया जा हम हाथ रखते हैं जा भाई उतार दे सर बस भाई इतने होते मजाक यार बेचारा पढ़ के ओ ये बूढ़ उतर गए इसके बेचारे के बहुत नाजुक खूबसूरत हाल है ये रे ये भी रख हाँ
तो आज के लिए इतना ही, हमारा दिलिया तो हो गया, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अब अच्छे कॉन्टेक्ट आएंगे इन दोनों में, आज का भी है कल का भी है, वो इन दोनों में लगेगा। तो रगाची सलाम कर दो सब, जिसने सुन लिया ओके, हाफिज़ हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।